जाएगा, यह दिन हमारा कैसा जाएगा। साल निकालना हो या महीना निकालना हो या दिन निकालना हो, यह दिन हमारा कैसा जाएगा। इसे निकालने के लिए अर्थात यह शुभ होगा या अशुभ होगा, इसे समझने के लिए गोचर कुंडली में सभी ग्रह जिन राशियों में गोचर कर रहे हों, उन सभी राशियों के समुदाय अंक को जोड़कर, यदि 225 225 अंक हमें प्राप्त हो रहे हों तो वह शुभ होगा। यदि 112 से 225 के बीच में हमें मिल रहे हों तो वो ना शुभ होगा ना शुभ होगा, ठीक रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। यदि 112 से कम हो तो यह हमारे लिए वह साल वह दिन या वह महीना हानिकारक है। जैसे गोचर में कैसे समझेंगे इसे, वो देखते हैं। आप इस कुंडली को देख रहे होंगे, इस कुंडली के अंतर्गत पहले आज का जो गोचर है उसे बना लेते हैं। एक गोचर कुंडली होगा, ठीक है। यह जो कुंडली है या गोचर कुंडली, अब यहाँ लगा लेंगे इसके साथ में हम अष्टक वर्ग को, जो समुदाय अष्टक वर्ग है उसे, या समुदाय अष्टक वर्ग है, इसके साथ में हम लगा लेते हैं गोचर पे, गोचर हो गया, ठीक है। आज का जो गोचर है वह, तो मान लीजिए हमें यह जानना हो और साल में ध्यान रहेगा, जैसे जो संबत हमारा चेंज होता है उससे आप साल का निकाल सकते हैं, या फिर जो आपकी डेट है उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। महीने के लिए आप संक्रांति का उपयोग करेंगे, अर्थात सूर्य कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 14 से 15 और 16, 14 15 16 ये 3 दिनों में सूर्य चेंज होते हैं, राशि को चेंज करते हैं। तो महीने को निकालना है तो 14 15 16 से निकालिए। यदि आपको साल को निकालना है तो संबत हमारा चेंज होता है उससे निकालिए, या संभव हो सके तो गुरु जब चेंज हो रहे हो कुंडली में वहां से आप निकालिए, वो आपको बेहतर रिजल्ट लाकर देता है। जैसे गोचर कुंडली हमारे सामने लगी है, अब इसके अंतर्गत हम समझेंगे, यह सर्वाष्टक वर्ग लगा है। एक तो सर्वाष्टक वर्ग सामने है, दूसरा गोचर कुंडली हमारे सामने है। इन दोनों के अंतर्गत जैसे 7 ग्रहों को लेना है, राहु केतु को छोड़कर शनि और मंगल कहाँ बैठे हैं, 11 नंबर राशि में, वेटर वो डब्बे में था ना, कौन इनके पास से आवाज आ रही डब्बे? है। हाँ शनि और मंगल आप गोचर में देखेंगे कहाँ बैठे हैं, 11 नंबर साइन में बैठे हैं, ठीक है। बुध और शुक्र कहाँ बैठे हैं, 12 नंबर साइन में बैठे हैं। सूर्य और गुरु कहाँ बैठे हैं, 1 नंबर साइन में बैठे हैं। चंद्रमा 6 नंबर साइन में। तो 11 नंबर साइन में हमें कितने अंक मिल रहे हैं, 32। 12 नंबर साइन में हमें कितने अंक मिल रहे हैं, 26। 1 नंबर साइन में हमें अंक कितने मिल रहे हैं, 32। और 6 नंबर साइन में हमें अंक मिल रहे हैं, 22। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे, टोटल आया 112, ठीक है। यदि हम जानना चाहते हैं कि यह व्यक्ति का यह जो दिन है आज का वो कैसा रहेगा, ठीक है, तो उसे समझने के लिए कितने योग हमें प्राप्त हो गए, 112। अर्थात यह स्पष्ट कर रहा है कि आज का दिन जो इस व्यक्ति का है वो अच्छा नहीं होगा, शुभ नहीं होगा, बहुत अच्छा दिन इस जातक के लिए नहीं रहेगा। जैसे हमें एक महीने का निकालना,
तो एक महीने के निकाल को निकालने के लिए हम देखेंगे कि सूर्य परिवर्तित कब हुए हैं। सूर्य परिवर्तित हुए हैं 14 या 15 तारीख को, ठीक है। तो यह जो गोचर कुंडली है इसे हम 14 या 15 तारीख की गोचर कुंडली को हम पहले बनाएंगे। तारीख को सूर्य प्रवेश किए हैं मेष में, ठीक है। तो 15 अप्रैल से 15 मई इस जातक के लिए कैसा रहेगा इसे जानने के लिए जहां जहां जो ग्रह बैठे हैं उन सभी को ले लेंगे। जैसे 11वां नंबर राशि में ग्रह हैं उसे नोट कर लीजिए, 12वें नंबर राशि में ग्रह हैं, मेष में ग्रह हैं, चार नंबर राशि में ग्रह हैं, और कहीं कोई ग्रह हमें नहीं दिख रहे हैं। मंगल शुक्र ही शनि ही हो गए, बुध और शुक्र चार पांच सूर्य मंगल को मंगल ही हो गए, चंद्रमा यहाँ हो गए सात। तो 11 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, 1 नंबर और 4 नंबर, इनमें हमें अंक प्राप्त हुए हैं। पुनः अष्टक वर्ग में जाकर देखेंगे कि इन क्या अंक इन्हें प्राप्त हुआ है। जैसे 11 नंबर को 32 मिला है, 12 नंबर को 26 मिला है, 1 नंबर को 32 मिला है और 4 नंबर को 24 मिला है, ठीक है। जो इससे भी कम है, आज की दृष्टि से कम है, तो कितना टोटल हो गया, 110, 112 से कम है। 112 से 225 के बीच में यदि है तो मध्यम है, अच्छा न्यूट्रल फल देगा वो, लेकिन 112 से कम है तो वो हानिकारक होगा। तो यह जो महीना जातक के लिए है वो हानिकारक है। जैसा मैं इस जातक को पर्सनली जानता हूँ तो इस जातक की समस्या भी 15 अप्रैल के बाद से जीवन में चल रही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे रूल पे आते हैं। यहाँ तो यह तो समझ में आ गया होगा, तो कोई समस्या नहीं। जैसे सूर्य यदि 3, 6, 11 भाव में हो और वह विनाष्टक वर्ग के अंतर्गत 5 अंक या 5 अंक से ज्यादा दे रहे हो तो यह शुभ होता है, अच्छा होता है। जैसे किसी भी कुंडली को आप देख रहे हैं और किसी भी कुंडली के अंतर्गत यदि सूर्य 3, 6, 11, 3, 6, 11 क्या है, उपचय भाव है। यदि उपचय भाव के अंतर्गत सूर्य बैठे हो और वह अपनी विनाष्टक वर्ग में जिन जिन स्थानों में 5 से अधिक अंक देंगे वह समय बेहतर होगा, अच्छा होगा जा सके थे। अब इसे भी आप गोचर से देखेंगे, कैसे देखेंगे गोचर से, जैसे तो यहाँ कौन से भाव में बैठा है, छठे में है, ठीक है। यहाँ जन्म कुंडली के अंतर्गत छठे भाव में हो और यह जो रूल है वो गोचर पे भी अप्लीकेबल है, अर्थात गोचर में यदि सूर्य 3, 6, 11 में जा रहे हैं और 3, 6, 11 विनाष्टक के अंतर्गत
कम से कम भी 5 अंक प्लस दे रहा हो, और यदि हम विशेष लाभ की बात करें तो विशेष लाभ जैसे जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे इस कुंडली के अंतर्गत सूर्य अभी गोचर में कहाँ है? सूर्य अभी गोचर में चल रहे हैं, मेष में, त्रिशटाए में चल रहे हैं, ठीक है। तो यह जो समय इस जातक के लिए है वह बेहतर समय आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा, कहाँ से हमें पता चलेगा, उसके लिए हम विनाष्टक में जाएंगे। और विनाष्टक में, सूर्य के विनाष्टक में देखेंगे क्या अंक इसे प्राप्त हो रहे हैं। तो सूर्य के विनाष्टक में देखिए इसे अंक मिल रहे हैं। छह अंक प्राप्त हो रहे हैं सूर्य के विनाष्टक में, यहाँ एक मिनट। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, वो लग्न चेंज हो गया था। ठीक है, 11 नंबर लग्न यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ भी गोचर में आपको 11 नंबर लग्न दिख रहा होगा। सूर्य यहाँ तीसरे में आ गए, सूर्य और गुरु तीसरे में आ गए। और तीसरे में हम जाकर देखेंगे क्या गोचर में अच्छी चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं विनाष्टक में। विनाष्टक में यहाँ तीसरे में क्या अंक मिला है हमें? 3 अंक मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि यह जो जातिका है, इस जातिका की जीवन में अनेक प्रकार की, यह एक आईपीएस ऑफिसर है और उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, खासकर प्रोफेशन, ठीक है। और वो समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि विनाष्टक वर्ग में सूर्य जो है वह गोचर कहाँ कर रहा है? 3 नंबर मेष में गोचर कर रहा है, और वहां विनाष्टक में कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? 3 अंक प्राप्त। अब जैसे ही सूर्य चौथी राशि में चला जाएगा, तीसरी राशि में जाएगा, 11वें में जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ मिलेंगे? 6ठे और 11वें में, दोनों में 6-6 अंक मिल रहे हैं। अर्थात चौथी राशि और 9वीं राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो इस जातिका के जीवन में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी सूर्य के द्वारा। यह जो गोचर कुंडली हम बनाते हैं, तो गोचर कुंडली को समझने के लिए या गोचर को समझने के लिए अष्टक वर्ग और विनाष्टक वर्ग का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, बहुत ही एक किया जाता है। क्यों? क्योंकि पराशर जी के अनुसार अष्टक वर्ग को गोचर की प्रामाणिकता देने के लिए रखा गया है, अर्थात गोचर कितना प्रामाणिक है, इसलिए अष्टक वर्ग को दिया गया है। और अष्टक वर्ग साथ ही पराशर जी ने इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है अपने बृहत पराशर होरा शास्त्र में, कलयुग में व्यक्ति इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा कि भाई उच्च का है, नीच का है, स्वक्षेत्री है, वर्गोत्तम है, षोडश वर्ग, इतनी कैलकुलेशन वो नहीं कर पाएगा। इसी के लिए यदि थोड़ी सूक्ष्मता उसकी उसको दे दी जाए और थोड़ा बेहतर दे दिया जाए, तो इसलिए ही उन्होंने अष्टक वर्ग की स्थापना की, अष्टक वर्ग हम लोगों के समक्ष रखा। गोचर से कैसे इसे लेते हैं? जैसे कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में गोचर कहीं कर रहे हैं, वह विनाष्टक में कैसी स्थिति बता रहे हैं अपनी, उससे आप उनका आकलन कर सकते हैं कि वो किस अवस्था में है, वो कैसे आपको फल दे रहे हैं। जैसे
जैसे सूर्य का हमने गोचर देखा, तो सूर्य अभी कहाँ बैठे हैं? एक में बैठे हैं, वहां हमें 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं जो जातिका के लिए किसी भी प्रकार से उचित हमें नहीं दिख रहा है। उसके साथ ही यदि हम चंद्रमा को देखें, गोचर में चंद्रमा की जो स्थितियां बन रही हैं, ये देखिए नीचे आप गोचर कुंडली देख रहे हो, चंद्रमा गोचर में कहाँ चले गए हैं? 7 नंबर राशि। 7 नंबर राशि में क्या है, यहाँ अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं? 5 प्राप्त हो रहे हैं, तो यह जातक के लिए बेहतर है, अर्थात यह अच्छी चीजों को देने वाला है। वैसे ही आप मंगल के बारे में देख सकते हैं कि मंगल की क्या स्थितियां हैं, बुध के बारे में, और जो जहां गोचर में है यदि वो वहां अच्छी अवस्था में है, अर्थात वहां पर उसे अंक ज्यादा मिल रहे हो, तो वहां अच्छी अवस्था में है, वो अच्छे फलों को दे रहा है, शुभ फलों को देगा, शुभ फल प्रदान वो अवश्य ही करेगा। जैसे सर्वाष्टक वर्ग में हम लोग देखते हैं, इस कुंडली को देखिए एक बार, यहाँ तो विनाष्टक क्लियर होगा, एक चीज और बिना विनाष्टक में आप लोग क्लियर कर लीजिए। जैसे सूर्य का है, ठीक है, तो सूर्य इस कुंडली में बली है या बली नहीं है, अर्थात सूर्य की क्या कंडीशन है, शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल देने वाला है, इसे समझने के लिए हम यह देखेंगे कि सूर्य कम से कम 4+ अंक कहाँ दे रहा है, 4+ अंक सूर्य कहाँ पे दे रहा है। जैसे आप प्रस्तारक में देखेंगे तो आपको यह दिखेगा, सूर्य के प्रस्तारक में आप देख रहे हैं कितना अंक आपको प्राप्त हो रहा है, यहाँ 48, ठीक है, अर्थात सबसे जो एवरेज अंक है वो 4 होता है, अर्थात 4 से नीचे यदि आपको अंक प्राप्त हुए हैं तो वो उचित नहीं है, 4+ आपको अंक प्राप्त हुए हैं वो अच्छा है, यदि 4 है तो वो एवरेज है। तो सूर्य 48 12 भावों में बांटेंगे तो 4 4 सब में आएगा, तो यह तो निश्चित हो गया कि सूर्य कहीं ना कहीं एक स्थान पर अपने खराब रिजल्ट को देगा, 11 जगह अच्छी अवस्था में, ठीक है। जैसे फिर चंद्रमा है, चंद्रमा को 49 अंक दिए गए हैं, अब चंद्रमा 49 अर्थात एक स्थान पे है, कुछ और बेहतर आपके जीवन में कर सकते। मंगल को 39 अंक मिले हैं, ठीक है, अर्थात यह है कि यह कुछ स्थानों पे आपके लिए अच्छा है, कुछ स्थानों पे लिए आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो मिनिमम है, एवरेज है, लेकिन इसे तो 39 ही मिले हैं, 39 ही मिले हैं, तो यह तो एवरेज से भी नीचे गया है, तो समस्या क्रिएट जीवन में करेगा ही करेगा। फिर आप यहां देखिए, गुरु बुध को यहाँ 54 मिले हैं, अर्थात यह 48 से ज्यादा होने के कारण यह कहीं कहीं आपको और अच्छे रिजल्ट को देगा। गुरु को 56 मिले हैं, जिसे कहा कहा जाता है कि पूरी कुंडली को गुरु संभाल लेते हैं यदि गुरु अच्छी अवस्था में हो, और 56 यह बता भी रहा है कि 4 कम है, लेकिन 56 मिलने के कारण कहीं कहीं यह बहुत अच्छी स्थिति में कुंडली में देखे जाने। शुक्र को यहाँ 52 मिल रहे हैं, तो यहाँ भी वही स्थिति बनती है कि शुक्र भी अच्छे रिजल्ट को देने को तैयार है यहाँ, और शनि को यहाँ 39 मिल रहा है। आपने गौर किया होगा कि जहां जैसे पाप ग्रह कहते हैं मंगल को और शनि को, तो मंगल शनि दोनों पाप ग्रह यहाँ बता दिए अपने आप को भी कि हाँ हम पाप ग्रह हैं, क्योंकि यह आपके जीवन में नित्य समस्या देंगे ही देंगे, क्योंकि इनका स्वभाव है वो समस्या देना, इसलिए इन्हें
तारक में भी 39 ही मिले हैं, और किसी की कुंडली हो यहाँ 39 ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है। वैसे ही क्या हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? वैसे ही इस प्रस्तारक के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो यहां भी आपको 39 ही मिल रहा है शनि का भी, तो यहां भी आपको ये चीज यह स्पष्ट कर रही है कि ये भी पाप ग्रह है, इसलिए मंगल और शनि को पाप ग्रह कहे गए हैं। ऐसे ही मंगल शनि को पाप ग्रह नहीं कहा गया। अब जब सूर्य को देखेंगे तो सूर्य यहाँ 48 दे रहे हैं, इन्हें क्रूर कहते हैं हम लोग, पिता के समान क्रूर है यह। अब क्रूर कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि 48 कहीं ना कहीं यह अपनी क्रूरता को लेकर चले आएंगे। जैसे सौम्य ग्रह, चंद्रमा सौम्य ग्रह है इसलिए यहाँ 49 है, बुध सौम्य ग्रह है 54 है, गुरु सौम्य ग्रह है 56 है, शुक्र सौम्य ग्रह है 52 है। तो बैलेंस करने की आवश्यकता आपको किनको रहेगी सबसे ज्यादा कुंडली में? शनि और मंगल की और सूर्य को, लेकिन सबसे ज्यादा शनि और मंगल को बैलेंस करना आपको बेहतर रहेगा। जहां हम लोग बात करते रहे थे वहीं लौटते हैं। जैसे हम लोग सूर्य को देख रहे थे कि सूर्य की क्या कंडीशन है, जैसे सूर्य इस कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं यह देखने के लिए एवरेज चार मिल रहा है, तो इसे भी ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 स्थानों पे यह अच्छे अंक दे रहे हैं। यदि 4 को हम छोड़ दें तो सिर्फ 4 स्थानों पे यह अच्छे अंक दे रहे हैं, और सभी स्थान पे 2, 3, 2, 3 ऐसे अंक हैं। तो यह स्पष्ट हो रहा है कि इस कुंडली में सूर्य क्या वैसे ही यदि हम चंद्रमा को लेते हैं तो चंद्रमा भी अपने स्थानों के अंतर्गत क्या दे रहे हैं रिजल्ट। जैसे मेष में 1 है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, इन 8 स्थानों पे चंद्रमा अच्छी अवस्था में, अर्थात चंद्रमा यहाँ इस कुंडली के लिए शुभ है। वैसे ही एक बार बृहस्पति को देख लेते हैं, बृहस्पति की क्या कंडीशन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ, बृहस्पति भी अच्छी अवस्था में हमें इस कुंडली में दिख रहे हैं। अब इसका तात्पर्य आपको कुंडली भी स्पष्ट करते हुए दिखेगी, कुंडली भी आपको बताएगी कि हाँ यही समस्याएं हैं या ये चीजें मिल रही हैं। जैसे सूर्य इस कुंडली के लिए ना ही अच्छे हैं और ना ही अच्छे नहीं है, बुरे प्रभाव ही देंगे। सूर्य को देखिए यहाँ क्या स्थिति सूर्य की है। कुंडली में सूर्य मंगल से रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, और मंगल क्या है, त्रिशडाय है। तो यहाँ अष्टक वर्ग ने भी स्पष्ट कर दिया कि ये चीजें हैं। चंद्रमा कुछ बेहतर, कुछ स्थानों पे बेहतर है, कुछ स्थानों पे बेहतर नहीं है, लेकिन यह अच्छी अवस्था में है। क्यों? क्योंकि यह शुक्र के साथ बैठा है, जो शुक्र क्या है, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, गुरु के साथ बैठा है, गुरु त्रिशडाय हैं और मारक है।
लेकिन ये शुक्र के साथ बैठे इसलिए वे अच्छी अवस्था में भी है। वैसे ही यदि गुरु की बात कर लें हम, गुरु को भी आप देखेंगे, गुरु शुक्र के साथ बैठा है और चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा त्रिशड़ाए है लेकिन शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में है। जो आपके कुंडली में ग्रहों की स्थितियां होंगी वह आपको अष्टकवर्ग बता देगा कि कौन ग्रह आपके कुंडली में अच्छा है, अच्छे फलों को देने वाला है या अच्छे फलों को नहीं देने वाला है। तो आपके एक और चीज हम लोग समझेंगे, जो ग्रह हमें जन्म कुंडली में प्राप्त हुए हैं अर्थात जो ग्रह हमें जन्म कुंडली में विधाता की लेख जो कहा जाए वो हमें दिया गया है, वो क्या बेहतर है हमारे लिए अर्थात वो अच्छी अवस्था में हमें रिजल्ट देने को आया है या फिर वो रिजल्ट देने को नहीं आया है। हमारी पूरी जन्म कुंडली वो भी अष्टकवर्ग ही बताएगी। अब वो अष्टकवर्ग कौन बताएगा, वो प्रस्तारक बताएगा। यह जन्म कुंडली देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। एक बार इस जन्म कुंडली को आप लोग बना लीजिए। एक बार इस जन्म कुंडली को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। जैसे ऋषभ लग्न की कुंडली है और सभी की डिग्रियां लिख लीजिएगा आप लोग, जो डिग्री पे ही पूरा निर्भर होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना गोचर में, कि गोचर में जो गोचर चल रहा है उस गोचर के अंतर्गत यह ग्रह अपने फल को देगा या नहीं देगा वो हम लोग कहाँ देखते हैं, प्रस्तारक से देखते हैं। प्रस्तारक हमें स्पष्ट करता है कि हाँ ये चीजों को देगा या नहीं देगा। उसे अंक यदि वहां प्राप्त हो रहे हैं, कक्ष बल मिल रहा है तो देगा, कक्ष बल नहीं मिल रहा है तो नहीं देगा। तो वैसे ही हम कुंडली के माध्यम समझेंगे कि हमारे जन्म कुंडली में यदि प्रस्तारक हमें अंकों को दे रहा हो, कक्ष बल हमें प्राप्त हो रहा हो, तो वह हमारे लिए बेहतर अवस्था में। यदि कक्ष बल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर वहां समस्या मिलेगी अर्थात वो उचित नहीं होगा हमारे लिए। जैसे सबसे पहले सूर्य को देखिए, सूर्य कौन सी राशि है, आठवीं राशि में, और आठवीं राशि के अंतर्गत शनि सूर्य की डिग्री क्या है, सूर्य की डिग्री है 15.27 डिग्री, 15.27 अर्थात या 15 से 18.45, पांचवें कक्ष में है, पांचवें कक्ष में है ना। तो पांचवा कक्ष, पहला कक्ष शनि का, दूसरा कक्ष मंगल का, तीसरा दूसरा कक्ष गुरु का, तीसरा कक्ष मंगल का, चौथा कक्ष सूर्य का, पांचवा कक्ष शुक्र का। अब इसके कक्ष का स्वामी कौन हो गया, शुक्र हो गया। तो क्या शुक्र ने इसे अंक दिए हैं, शुक्र ने अंक नहीं दिए हैं, ठीक है। अब शुक्र ने अंक नहीं दिए हैं तो इस अवस्था में यह सूर्य जो इस कुंडली में बैठा है वो अच्छे जल्द को नहीं दे पाएगा, क्योंकि कक्ष से उसे बल की प्राप्ति नहीं हुई है। जो उसका कक्ष का स्वामी है उसने उसे बल नहीं दिया है जिससे वो अपने आप को बेहतर बना सके। तो यहाँ यह शुभ रिजल्ट को देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। एक और बल देखने की इसमें हमें आवश्यकता है, वो क्या है, उसका जो लॉर्ड है क्या उसके लॉर्ड ने उसे अंक दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो जैसे आप देखेंगे कौन सी राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है, मंगल है। तो क्या मंगल ने सूर्य को अंक दिए हैं, तो मंगल ने सूर्य को अंक दिए हैं, तो इस स्थिति में सूर्य
मध्यम प्रभाव देगा, अर्थात ना ही उतना बेहतर प्रभाव देगा और ना ही यह खराब, मध्यम प्रभाव देगा, जैसे हमें विनाशक वर्ग में भी दिखा। दूसरा फिर देखेंगे हम मंगल को, ये चंद्रमा को। चंद्रमा की डिग्री है 25 डिग्री 49 मिनट, 25 डिग्री 49 मिनट। अब इसमें आप देखेंगे कि चंद्रमा की जब इतनी डिग्री हमें प्राप्त तो हो रही है, तो यह कौन से कक्ष में आ जाएगा? 22 डिग्री 30 मिनट से 26 डिग्री 15 मिनट तक सातवां कक्ष रहेगा। तो मंगल का, मंगल कौन सी राशि में है? मंगल मेष में है। ए चंद्रमा कौन सी राशि में है? चंद्रमा मकर राशि में है। तो मकर राशि में उसके कक्ष का जो स्वामी है सातवा चंद्रमा, क्या चंद्रमा स्वयं ने अपने आप को अंक दिए? तो चंद्रमा अपने आप को अंक देगा ही देगा, ठीक है? तो चंद्रमा ने अपने आप को अंक दिए हैं, अपने ही कक्ष में है वो। इसके बाद फिर देखिए कि इसका जो स्वामी है, लॉर्ड है, उसने अंक दिए हैं, तो उसने अंक इसे नहीं दिए हैं। देखिए शनि ने अंक नहीं दिए। मंगल को देखिए, मंगल मेष राशि में है और मंगल की डिग्री है 2 डिग्री 1 डिग्री 59 मिनट, 2 डिग्री के करीब है। मंगल मेष में है तो मेष अपने ही स्वामी हो गए, तो अपने आप को तो अंक यहाँ दिए ही हैं, मंगल ने मंगल को अंक दिए हैं, उसके स्वामी ने अंक दिए हैं तो उसने भी अंक दिए हैं, ठीक है? अर्थात उसका जो कक्ष का स्वामी है शनि, शनि ने भी अंक दिए हैं। यह जो आईपीएस या जितने भी सिविल सर्विस हैं, उन सबको कौन देता है? मंगल देता है। तो मंगल यहाँ प्रस्तारक में अष्टांग अवस्था में दिख रहा है, अच्छी अवस्था में दिख रहा है, ठीक है? यदि आप कुंडली में को गौर से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा मंगल की आठवीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ी है। तो मंगल की आठवीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ने के कारण इस जातिका को सिविल सर्विस कहाँ से मिलेगी? सूर्य से संबंधित मिलेगी। और सूर्य दशम में बैठा है, जो कंफर्म कर रहा है हमें कि इस जातिका के सरकारी नौकरी के योग हैं। यदि आप बुध को देखते हैं तो बुध यहाँ अच्छी अवस्था में है या नहीं है? तो बुध कौन से राशि में है? बुध सातवीं राशि में है। बुध के अंश क्या है? 26 डिग्री 5 मिनट। तो 26 डिग्री 15 से अंदर है, अर्थात सातवें कक्ष में है। तो बुध ने सातवें कक्ष के स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा ने बुध को अंक दिए, और चंद्रमा कहाँ बैठा है? शुक्र के राशि में। तो शुक्र ने अंक दिए हैं, शुक्र ने बुध को अंक नहीं दिए, ठीक है? तो यह भी मध्यम रिजल्ट को देने वाला होगा। इस जातिका का पंचम भाव का स्वामी शुक्र को अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं। इस जातिका के छठे भाव के स्वामी, पांचवे भाव के स्वामी बुध, बुध को भी अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। अर्थात कक्ष के स्वामी, किसी को कक्ष के स्वामी ने अंक नहीं दिए और किसी को उसके लॉर्ड ने अंक नहीं दिए हैं। इस जातिका के जीवन में विवाह में भी समस्या रही और इस जातिका को संतान की प्राप्ति में भी समस्या हुई, ठीक है? और संतान इस जातिका को नहीं है, क्योंकि शनि केतु वहां बैठे हैं पंचम में, वो भी स्पष्ट कर रहे हैं संतान को लेकर कि संतान की समस्या हो सकती है जातिका को।
एक बार शनि को देख लेते हैं, शनि की क्या स्थितियां बन रही है। तो शनि को जब आप देखेंगे, शनि कौन सी राशि में, तीसरी राशि में है। शनि के अंश क्या है, 9.29 डिग्री। तो यह तीसरे कक्ष में आ जाएंगे। तो इनका कक्ष का स्वामी मंगल है, मंगल ने अंक दिए हैं। इनका लॉर्ड कौन है, बुध है, तो बुध ने भी अंक दिए हैं। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं कि लॉर्डशिप कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे धन की बात यदि हम करें, तो धन का स्वामी कौन है, इस कुंडली के अंतर्गत गुरु है। तो क्या गुरु को अंक कक्ष के स्वामी ने और उसके राशि लॉर्ड ने दिए हैं? उसे देखने के लिए हम गुरु को देखेंगे। तो गुरु कौन से राशि में है, दसवीं में है। गुरु की डिग्री क्या है, 14.50 डिग्री है। ठीक है, तो 14.50 चौथा आ जाएगा। चौथा अर्थात शनि गुरु मंगल शुक्र, तो शुक्र ने अंक दिए हैं। इनका लॉर्ड कौन है, शनि, तो शनि ने अंक नहीं दिए। तो धन और परिवार संबंधित भी समस्या जातक के जीवन में बनी रहेगी, और इस जातक के जीवन में ऐसी समस्या हमने देखी भी है। ठीक, यदि पिता की बात करें तो 9 9 नंबर भाव का अधिपति शुक्र है। शुक्र 10वीं राशि में बैठा है। शुक्र के अंश कितने हैं, 1 डिग्री 13 मिनट, अर्थात पहले ही कक्ष में बैठा है। तो उसे अक्षय स्वामी ने नंबर दिए हैं, और उसके लॉर्ड ने भी नंबर दिए हैं। ठीक है, तो पिता की स्थिति यहाँ अच्छी है। पिता जो है वो सरकारी नौकरी के अंतर्गत थे, सरकारी एम्प्लाई थे, वो भी अच्छी अवस्था में है। ठीक है, तो इससे आप यह कंफर्म कर सकते हैं कि जातक को किन चीजों की प्राप्ति होगी, किन चीजों की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे यह कुंडली भी आप देख रहे हो, इस कुंडली में सप्तम का स्वामी कौन है, मंगल है। कौन सी राशि में बैठा है, वृषभ में बैठा है, दूसरी राशि में बैठा है। तो मंगल मंगल वृषभ के अंतर्गत बैठा है, उसकी डिग्री क्या है, 17 डिग्री 19 मिनट। तो 17 डिग्री आ गया या पांचवे में। देखिए, मंगल को एक, शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र, शुक्र ने अंक दिए हैं, नहीं दिए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए दूसरा कि उसका लॉर्ड कौन है, लॉर्ड भी उसका शुक्र ही है, तो शुक्र ने अंक नहीं दिए हैं। इस जातक का जो दाम्पत्य जीवन है वो बिल्कुल ही ठीक अवस्था में नहीं है। ठीक है, तो यहां भी आपको स्पष्ट चीजें मिल रही हैं कि प्रस्तारक के अंतर्गत यदि अंक प्राप्त तो नहीं हो रहे हैं, तो यह कितनी बड़ी चीजों को लाकर आपके सामने दे देगा। अर्थात समझ लीजिए कि एक प्रकार का यह एक्सरे आपके सामने दे रहा है। यदि आप लोग पहले देखे होंगे, तो पहले फोटो निकलती थी, और फोटो के साथ एक पीले कलर का, क्या स्मरण नहीं है हमें उसे क्या कहा जाता है, और उसे रखा जाता था कि भाई यदि फोटो कहीं गुम भी हो जाए तो इससे निकाल लिया जाएगा। फिर नेगेटिव या ऐसा कुछ उसे कहते थे। फिर दूसरे यदि हम बात करें इस कुंडली में यदि हम बात करें, तो इस कुंडली के प्रस्तारक में जाएंगे, और प्रस्तारक में जाके पंचम भाव का निरीक्षण करेंगे कि पंचम भाव की क्या स्थिति है। तो पंचम भाव का स्वामी आपको दिख रहा होगा मंगल है, जो उसी घर में बैठा है। इसके डिग्री एक बार देख लेते हैं, तो डिग्री इसकी है 17 डिग्री 19 मिनट। मंगल की 17 डिग्री 19 मिनट, अर्थात पांचवा नववांश, ये पांचवा कक्ष। तो पांचवा कक्ष के अंतर्गत शुक्र ने इसे अंक दिए, शुक्र ने अंक दिए हैं, मंगल ने अपने आप को अंक दिए हैं।
यहाँ पे इस जातक की जो शिक्षा रहेगी बहुत ही अच्छी होगी, उच्च लेवल की शिक्षा होगी। यह स्पष्ट चीजें हो रही हैं यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते, अच्छा यह प्रस्तारक क्लियर हो गया। प्रस्तारक में कैसे हम ग्रहों की चीजों को चेक करते हैं, अर्थात ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, या भाव को लेकर कैसे वो हमारे चीजों को दे रहा है, वह क्लियर हो गया। अब हम आगे समझेंगे और देखेंगे कि यह षोडश वर्ग में कैसे रिजल्टों को दे रहा है। षोडश वर्ग के अंतर्गत यह हमें अपने रिजल्ट को कैसे देगा उसे समझते हैं। तो उसके लिए यह ध्यान रहे कि षोडश वर्ग के लिए आपको सॉफ्टवेयर तो बनाकर देगा नहीं, तो आम सॉफ्टवेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर तो बनाकर दे नहीं देगा नहीं। उसके लिए आपको स्वयं बनाना होगा। स्वयं बनाने की पद्धति क्या है वो आप लोग सभी को पता है। आप यदि अष्टक वर्ग के पहली दूसरी क्लास से देखेंगे आपको तो पता चल जाएगा कि कैसे इसे बनाया जाए। ठीक है, उस आधार से आप नवांश कुंडली का भी आप बना सकते। जैसे नवांश में हमें समझना हो इसे, ठीक है। कुंडली है इसके अंतर्गत हम नवांश की यदि बात करें या विनाष्टक वर्ग की बात करें, तो यह जो कुंडली आप देख रहे हैं सामने में, यह कुंडली वर्ग नवांश की अर्थात यह नवांश का समुदाय अष्टक वर्ग है। ठीक है, और यह जो है यह आपके लग्न कुंडली का अष्टक वर्ग। आप लोग हमें बताएंगे लग्न कुंडली में जो आप अष्टक वर्ग में देख रहे हैं लता जी, तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ कितने अंक जातिका को मिल रहे हैं, 29। यहाँ कितने अंक मिल रहे हैं, 31। ठीक है, मिल रहे हैं संतान पर विवाह पक्ष में कितने अंक मिले हैं, 29। 29 यहाँ पे आप सीधे क्या बोल देंगे जातक को कि भाई आपको तो विवाह से लाभ होंगे, बिजनेस से लाभ होंगे, इतने सारे चीज आप बता देंगे जातक को। लेकिन जब आप एक्सरे में चले जाएंगे, क्योंकि यह फोटो है, एक्सरे में नवांश में आप जाएंगे तो नवांश से आपको 22 दिख गया। वो चीजें स्पष्ट हो गई, विवाह में समस्या है, या तो नवांश कंफर्म कर रहा है। दूसरा, इस कुंडली पे हमने संतान की बात की थी, ठीक है। तो एक बार सप्तमांश कुंडली लगाकर हम चेक कर लेते हैं। सप्तमांश में यहाँ समुदाय अष्टक वर्ग में कितना मिल रहा है, 31 मिल रहा है आपको, ठीक है। लेकिन वही यदि हम यहां जाते हैं सप्तमांश में, सप्तमांश में यहाँ कितना मिल रहा है, अंक 23। क्या क्लियर हो रहा है, ये जो इमेज है वो क्लियर हो रहा है कि हाँ क्यों संतान की प्राप्ति नहीं हुई, या क्या क्यों विवाह का सुख जातक को नहीं मिल पाया। अष्टक वर्ग समुदाय अष्टक वर्ग जो है वो बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि हाँ ऐसी समस्या रही है, इस कारण ही यह चीजें देखने को मिली। तो यह जो वर्ग कुंडली है, यदि वर्ग कुंडली के आप प्रस्तारक को बनाते हैं, अष्टक वर्ग को बनाते हैं, तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जैसे अभी इस पे हम बात कर रहे थे, यदि हम नवांश कुंडली के प्रस्तारक को बनाते हैं, सूर्य के विनाष्टक को बनाते हैं, ठीक है। यह सूर्य का विनाष्टक है नवांश का,
एक मिनट, बस तारक अष्टक पर उसका नहीं। यह नवांश का प्रस्तारक है, अष्टक वर्ग है, नवांश का ही है। सूर्य का ही यह आपको बता रहा है। सूर्य के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं, सूर्य नवांश कुंडली में, एक मिनट, नवांश कुंडली, नवांश कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है? आठवीं राशि में बैठा है, ठीक है। और आठवीं राशि के अंतर्गत, आठवीं राशि में बैठा है, यहाँ पे विशेष हम अंशों को नहीं लेते हैं, अर्थात अंश का कोई महत्व तो नहीं होता नववांश कुंडली में, क्योंकि अंश से ही नववांश कुंडली बनती है। लेकिन यदि हमें और सूक्ष्म जाना हो इसे समझने के लिए, तो यहाँ पे सूर्य का अंश आप देख रहे होंगे 19 डिग्री 10 मिनट दिख रहा है, और जूम करेंगे अपने फोन में आप तो आपको दिख जाएगा 19 डिग्री 10 मिनट। सूर्य कौन सी कक्ष में चला गया? छठे में चला गया, 1845 से 20 30 22 30 के बीच में चला गया छठे में। तो छठा कौन है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या बुध ने अंक दिए हैं? नहीं दिए। उसके बाद इसका स्वामी कौन है? मंगल। मंगल ने अंक दिए हैं। हम इसे समझते क्यों हैं? नवांश कुंडली को हम क्यों देखते हैं? दाम्पत्य जीवन के लिए देखते हैं, भाग्य के लिए देखते हैं, ठीक है। यह नौवा है, भाग्य का स्थान है, यहाँ इससे 11वां स्थान सातवां है, इसलिए सातवें सप्तम भाव में बैठे ग्रह सप्तमेश नवांश कुंडली में बहुत ही माने जाते हैं कि भाई इन्हें देखना है या फिर इनसे संबंधित चीजें निकालनी है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे सूर्य को अंक नहीं मिल रहे हैं प्रस्तारक के अंतर्गत, तो यहाँ भी चीजें आपको स्पष्ट होते हुए दिखेंगी। गोचर से और विनाष्टक से, अष्टक वर्ग से, इन सभी से आपको लेके चलना है। जैसे अब एक लास्ट कुंडली है उसे देख लेते हैं। ये बिलगेट्स की कुंडली है, ठीक है। जो हम लोग आकलन करते हैं कि भाई जहां अंक कम हो वहां पे चीजें नहीं मिलेंगी। देखिए यह व्यक्ति बिजनेसमैन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो इन्हीं की कंपनी है। यह जो स्थान है पांचवा, वो डेवलपमेंट का स्थान होता है, क्रिएशन का स्थान होता है। यहाँ 19 अंक मिल रहे हैं जातक को। भाग्य का स्थान 24 अंक मिल रहे हैं, यहाँ जातक को 23 अंक मिल रहे हैं बिजनेस का। और यह व्यक्ति बिजनेस से ही बहुत अच्छी ऊंचाई पर बैठा है, ऐसा क्यों है? उसके भी कई कारण हैं। तो यह जो यहाँ बैठा हुआ ग्रह है, या फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं कि 19 है 23 है 24 है, यह विशेष कोई मैटर नहीं करता है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। आप जाकर भिन्नाष्टक में देखेंगे कि उन 7 नंबर राशि में, 9 नंबर राशि में, 11 नंबर राशि में कौन कौन से ग्रह ने अंक दिए हैं। क्योंकि यहाँ तो आ जाएगा कि 7 नंबर राशि में कोई ग्रह आ जाएगा तो अच्छे फल नहीं देगा, 9 नंबर राशि में कोई ग्रह आएगा तो अच्छे फल नहीं देगा, 11 नंबर राशि में कोई ग्रह आएगा तो अच्छे फल नहीं देगा। जब आप भिनाष्टक में जाएंगे तो भिनाष्टक में आपको दिखेगा सबसे ज्यादा 7 नंबर राशि में किसने अंक दिए हैं? बुध ने अंक दिए और बुध ने अंक दिए हैं। सात नंबर में सबसे ज्यादा अंक किसने दिए हैं? चंद्र ने अंक दिए हैं, गुरु ने अंक दिए हैं और किसी ने अंक यहाँ नहीं दिए हैं।
दो तीन, तीन दो तीन, चंद्र और गुरु ने। यहां से जब गुरु का गोचर होगा, यहां से जब गुरु का गोचर होगा तो एक बेहतर चीजों को लेकर आएगा। जब आप दशा को जोड़ कर देखेंगे, दशा को जोड़ कर भी चीजें आपको मिलते हुए ही मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल यह आकलन नहीं करना है कि यहाँ पे यदि कोई नहीं है, अर्थात कोई ग्रह यहाँ, माफ कीजिए, यहाँ यदि अंक हमें नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे ये चीजें नहीं होंगी। दूसरा तरीका यह है कि जैसा अभी आप नीचे कुंडली आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो नीचे दोनों कुंडलियां लगी हुई है, एक सामुदायिक भी लगा है और एक जन्म कुंडली भी लगी है। तो जन्म कुंडली में आप देखेंगे कि जहां जहां अंक नहीं मिल रहा हो उसे मान लीजिए कि वो एक अच्छा घर नहीं है, या फिर उसे यहाँ आप मान लीजिए कि वहां पे एक क्या बैठा है, वहां पे एक सांप बैठा है। यदि यहाँ कोई सांप बैठा हो तो सांप यदि बैठा है तो उसे डसने वाला तो कोई चाहिए, सांप डसेगा किसे? तो यहाँ पे कोई ग्रह आपको दिख रहा है, जहां जहां अंक नहीं मिल रहे हैं यहाँ कोई ग्रह है? सातवें में नहीं है। नौवे में कोई ग्रह है? नहीं है। तो यहाँ सर्प तो यहाँ बैठा है, लेकिन सर्प को कोई ग्रह ही नहीं मिला है कि जिसे वो डस सके। सर्प को कोई ग्रह ही नहीं मिला है जिसे वो डस सके। और जब कोई ग्रह ही इसे डसने को नहीं मिला, फिर कोई चीजें नहीं है। फिर आप देखेंगे पांचवे भाव में, जहाँ सात नंबर राशि है, वहां सूर्य है, शुक्र है और शनि बैठे हैं, तीन तीन ग्रह बैठे हैं, वहां भी स्नेक है, वहां भी सांप बैठा है। तो क्या सूर्य ने अपने साथ कोई पिकॉक लेकर आया है, या फिर कहें तो कोई मोर लेकर साथ में आया है जिससे बच सके? ठीक है, तो यहाँ देखिए सूर्य ने कितने सारे लेकर पिकॉक चले हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात राशियों में सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में है। यदि हम शुक्र की बात करें, एक दो तीन चार पांच छ सात, यह भी यहां अच्छी अवस्था में है। शनि को देखिए आप, एक दो तीन एक चार, तो यहाँ प्रॉब्लम को कौन दे सकता है? प्रॉब्लम यहाँ शनि दे सकता है, लेकिन सूर्य और शुक्र यहाँ किसी भी प्रकार प्रॉब्लम नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने साथ पिकॉक को लेकर चल रहे हैं, नेबला को लेकर चल रहे हैं, जो सर्प को मारने को तैयार बैठा है। कहीं भी कम अंक हो तो उससे डरना नहीं है। कम अंक है ठीक है, लेकिन यदि कोई वहां ग्रह बैठा है तो समस्यादायक है। यदि वहां कोई ग्रह नहीं बैठा है तो बिल्कुल समस्यादायक नहीं है, कोई समस्या वो आपके जीवन में लेकर नहीं आएगा। अंक है तो वो समस्यादायक, वहां कोई ग्रह है तो समस्यादायक है। जैसे देखिए यहाँ इस व्यक्ति के जीवन में क्या सुख नहीं है, एक ही अंक मिल रहे हैं वहां पे, सुख नहीं है, अथाह सुख है, सुख नहीं है, सुख का समुद्र है इस व्यक्ति के पास, लेकिन वहां सिर्फ 21 मिल रहे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ 21 मिल रहे हैं। दूसरे तरीके से आप यदि समझेंगे तो दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जैसा हमने देखा सूर्य शुक्र और शनि, ठीक है, इन तीनों को डसने के लिए सांप बैठा है, तो सूर्य शुक्र और शनि इनके लॉर्ड कौन है? शुक्र है। एक बार प्रस्तारक में जाइए,
और प्रस्तारक में जाकर देखिए कि क्या इनके लॉर्ड ने और क्या इनके कक्ष के स्वामी ने इन्हें अंक दिए हैं। तो कक्ष के स्वामी के लिए हमें डिग्री की आवश्यकता है, पहले हम डिग्री को देखेंगे। तो सूर्य की डिग्री 11 है, शुक्र की डिग्री 26 है और शनि की डिग्री 28 है, और मंगल की डिग्री 16, बुध की डिग्री 23। प्रस्तारक में जाकर देखते हैं क्या स्थितियां बन रही हैं। अब प्रस्तारक में, सूर्य के प्रस्तारक में जाकर देखिए कि सूर्य क्या अपने साथ पीकॉक को लेकर आया है या नहीं आया है। तो सूर्य की डिग्री क्या है, 11 है, 11 डिग्री। तो 11 डिग्री होने के कारण कौन से नव कौन से कक्ष में चले गए, तीसरे कक्ष में चले गए। अब तीसरे कक्ष में 11.45 है, तो ये तीसरे नहीं चौथे कक्ष में जाएंगे। ये चौथे कक्ष में जाएंगे तो चौथा कक्ष कक्ष किसका है, सूर्य का है। तो सूर्य ने अंक दे दिए, तो एक पिकॉक इन्हें मिल गया। इनके कक्ष का स्वामी कौन है, शुक्र है, तो शुक्र ने अंक नहीं दिए, तो एक पिकॉक ये लेकर चल रहा है, अर्थात चीजें ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन है, दूसरा शनि। शनि के अंश कितने हैं, 28 अंश है, अर्थात आठवां कक्ष है। शनि आठवें कक्ष के अंदर शनि को अंक मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। फिर शनि का जो लॉर्ड है शुक्र, वो अंक दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो शनि यहाँ पिट रहा है, शनि यहाँ पे अच्छी अवस्था में नहीं दिख रहा है। शनि को साप जो है वो डस रहा है। फिर चले जाइए आप, शनि के बाद फिर कौन हो बच गए, शुक्र। शुक्र के 26 अंश है, 26 डिग्री है। शुक्र की 26 डिग्री, 26 डिग्री कहाँ चले जाएगा, 26.56, तो ये भी चले जाएंगे आठवें में। तो आठवां जो लग्न है वो अंक दे रहा है, शुक्र को दे रहा है। इनका लॉर्ड कौन है, वो स्वयं शुक्र ही है, तो शुक्र भी अंक दे रहा है, तो शुक्र भी यहाँ अच्छी अवस्था में है। तो सूर्य और शुक्र दोनों के पास नेवला है और शनि के पास नेवला नहीं है, जो साप से बचा सकते। उसके बाद आगे बढ़िए और देखिए, जहाँ 21 अंक हमें मिल रहे हैं, 21 अंक कहाँ, चौथे भाव मिल रहे हैं, वहां कौन है, मंगल और बुध है। तो मंगल को देखिए, क्या मंगल नेवला को साथ में लेकर चला है। ना है 16 है, तो 16 कौन सा हो गया, यह आ गया पांचवा, 15 से 18, 45 के बीच में, 1 2 3 4 5, शुक्र ने अंक इसे दे दिए हैं उसके कक्ष के स्वामी ने। अब इसके स्वामी ने अंक दिए या नहीं दिए, नहीं दिए, तो एक पीकॉक इनके भी पास भी है। अब बुध के पास आइए, बुध के पास कोई पीकॉक है या नहीं है। तो बुध के अंश कितने हैं, 23 अंश हैं, 23.19, 22 30 से के अंदर है, सातवा कक्ष है। तो सातवें कक्ष के स्वामी चंद्रमा ने अंक नहीं दिए हैं, इनके स्वामी बुद्ध ने अंक अपने आप को दिए हैं। तो इनके पास भी एक पीकॉक है। तो सर्प तो जहां हमें दिख रहा है, लेकिन वहां पीकॉक भी बैठा है, वहां नेवला भी बैठा है, तो इसलिए वहां मारपीट नहीं हो सकती है, समस्या वहां नहीं हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ अंक को देखकर जज नहीं कर लेना है सर्वाष्टक वर्ग में, कि यहाँ पे जो चीजें हमें नहीं मिल रही हैं तो नहीं मिलेंगी। आप जाकर अंदर देखेंगे कि क्या वहां अंदर चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नवमांश में जाएंगे, दशमांश में जाएंगे, जैसे इनकी कुंडली की बात करें, बिल गेट्स की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो इनके कुंडली के अंतर्गत यदि हम दशमांश में जाते हैं, अर्थात नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली हम सर्वाष्टक से बनाते हैं, तो क्या चीजें हमें भिन्नता मिलती है, वह देखिए। पहले नवमांश से हम समुदाय को बनाते हैं, समुदाय अष्टक वर्ग को, तो इसमें हमें मिलेगा बिल्कुल विपरीत। यहाँ 23 है, यहाँ 28 है, यहाँ 21 है, यहाँ 26 है, यहाँ 19 है, यहाँ 31 है। जैसे एक्सरे मशीन कौन है, नवांश है, और फोटो कौन है, लग्न है। तो लग्न से बेहतर रिजल्ट कौन दे रहा है आपको, नवांश दे रहा है, ठीक है। यहाँ जो 24 है, तो यहाँ भी 24,
अब दशमांश में देखिए, क्योंकि कर्म ही आगे ले जाता है व्यक्ति को, दशमांश बहुत ही आवश्यक होता है जन्म कुंडली में। दशमांश को देखिए, दशमांश में और चीजें आपको भरपूर मिल रही है, देख रहे हैं आप, जहां 23 है बिजनेस कर्म है वहां 32 है, भाग्य 24 है यहाँ, भाग्य का साथ 29 है यहाँ। कर्म के अंदर व्यक्ति किस प्रकार अपने पार्टनर से अच्छे व्यवहार रखेगा या उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसा रहेगा, वो 10वें से सातवां सप्तम भाव वहां 33 अंक मिल रहे हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि भाई चीजें बहुत अलग हो गई। तो सिर्फ लग्न कुंडली के अंतर्गत जो समुदाय अष्टक वर्ग बन रहा है उस पर विचार करके नहीं जाना है कि हाँ यही सही है या यही गलत है। कोई प्रश्न हो तो बताइए, आठवीं कक्षा को लेकर।